दोस्तों आप सभी के लिए राम राम। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है और उसका रिएक्शन कैसे देखेगा, एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर का पैसा भी डूब रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप इनको जानते होंगे, ऋषि सुनक को, और आपको पता है ये इंडियन ओरिजिन के पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा भी काम कर रहे थे। ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक से, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो यूके में समय जो इन्फ्लेशन का रेट है वो देखिएगा घटकर 2% के टारगेट को पहली बार टच कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े क्राइसिस में जहाँ पे डिफरेंट देखेगा जो वेस्टर्न नेशन है वो इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखने को मिली और अचानक से क्या हुआ आपको पता चलता है कि इनकी सरकार सत्ता से समाप्त हो चुकी है। चलिए समाप्त हो चुकी है हटाइए, सत्ता से जाने के बाद इतिहास में ऐसी हार किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं देखी होगी यूके में। और 5 साल के लिए सरकार नहीं गई है, सरकार इतने सालों के लिए गई है कि अभी तो इनका आना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो यूके पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, वाई ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी सफर्ड लॉस। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से यूके देखिए एक तरीके का लीडर है यूरोजोन का, तो अगर वहां पे अनस्टेबिलिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट कई तरीके के एसेट क्लास पे पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके इलेक्शन के बाद भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो वहां पे क्रिप्टो मार्केट में 14-17% का क्रैश हुआ है। कल तक वो क्रैश केवल 3% का था, आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज वो हो गया 14-17%, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आपको देखने को मिला। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो वेव थी उसमें देखिएगा ऋषि सुनक की सरकार एकदम बह गई, एकदम कह सकते हैं बह गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है। अब मैं आपको बताता हूँ सरकार कितने दिनों के लिए गई है। अगर आप देखेंगे यूके इलेक्शन लाइफ आफ्टर 14 ईयर्स एक्स पीएम ट्रस लॉसेस कंजर्वेटिव बेस्टन देखिएगा साउथ वेस्ट नॉरफॉक। तो आप देख सकते हैं टुडे पावर विल चेंज हैंड्स स्मूथली पीसफुली विद द गुडविल फ्रॉम ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ऋषि सुनक पूरी तरीके से पावर चली गई है, 5-10 सालों से भी ज़्यादा के लिए चली गई है, और आने वाले टाइम में अब देखिएगा ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, कीर स्टामर। तो अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से इन्होंने विन करा है और द फर्स्ट फॉर द लेबर पार्टी सिंस 2010। तो 14 साल के बाद ये आए, तब 14 साल तक ये जाएंगे भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं बिगेस्ट लॉस हुआ है, बिगेस्ट सेटबैक, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक टू द कंजर्वेटिव पार्टी। आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतना ज़्यादा लोग रोष में थे ऋषि सुनक के, ये किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की हार होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोमेन इन्वेस्टर और अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में आती आती है। तो इस समय जो अनसर्टेनिटी है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आप देख लीजिए हिस्टोरिकल डिफीट हुआ है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं क्या स्थिति है। कल तक ये बिटकॉइन केवल 3% तक डाउन थे, आपको पता है 58,000 पे बिटकॉइन लाया कर रहा था। इथेरियम आपको पता है 3% तक, 3.5% तक डाउन था, 10%। फिर कैडेनो 17% तक देखिएगा डाउन है। ये टॉप देखिएगा टॉप 10 में क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, ये क्रिप्टो मार्केट पूरा देखिएगा आफ्टर द रिजल्ट, जैसे रिजल्ट आए इनका जो डाउन ट्रेंड था वो एकदम देखिएगा नेक्स्ट टू लेवल पे आ गया। देख सकते हैं आप डोजे 14%, शिबा इनू 14%, चेकआउट कर सकते हैं आप पूरी तरीके से 11%, 16%, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का क्रैश हुआ है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोजोन का कितना ज़्यादा मेजॉरिटी देखेगा इम्पैक्ट है क्रिप्टो मार्केट में, और इसका कहीं ना कहीं मार्केट पे भी इम्पैक्ट है।
तो इसलिए थोड़ा सा जो अनस्टेबिलिटी होती है ग्लोबल सेंटिमेंट की, वो इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी देखिएगा, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल चीज़ थी और आप देख सकते हैं, और फर्दर जो भी अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।